तो गाइस फाइनली इंडस का क्लोज बीटा स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोगों को इंडस का क्लोज बीटा डाउनलोड करके खेलना है तो इस वाली वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखो इंडस का बीटा टेस्ट को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके डिवाइस पर इंडस गेम को खेलने का एक्सेस मिलने वाला है। तो कौन सा फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से आप लोग अपने डिवाइस पर इंडस गेम को डाउनलोड करके खेल सकते हो, सब कुछ अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इंडस गेम ने 2023 में क्या क्या किया है। तो गाइस सबसे पहले इंडस बैटल रॉयल गेम ने अपना प्री अल्फा गेम प्ले ट्रेलर लॉन्च किया था 26 जनवरी 2023 को, और फेब 2023 में इंडस का कम्युनिटी प्ले टेस्ट 3 था सूरत में। और ये प्लेटेस्ट सबसे बेस्ट होगा क्योंकि इंडस ने पहली बार अपने इंडस ऑफिस के बाहर प्लेटेस्ट करवाया और इंडस की टीम सूरत जाके प्लेटेस्ट करवाया था। और इंडस का फोकस सिर्फ बड़े शहरों पर नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों पर भी है, यानी कि पूरे इंडिया पर है। और मैं चाहता हूँ कि इंडस हमारे झारखंड में भी कुछ करे। और हाँ गाइस, इंडस ने मार्च 2023 में दो कैरेक्टर लॉन्च किया था, हीना और मोरनी। और हीना कैरेक्टर के बारे में तो आप लोगों को पता है, जो रियल लाइफ शूटर है। और हाँ, अप्रैल 2023 में इंडस ने अपने ऑफिशियल चैनल पर 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट किया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इंडस के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और उसके बाद मई 2023 में इंडस इनसाइडर यानी कि क्रिएटर प्रोग्राम लेगा है, जिसमें से तुम्हारे भाई को भी सिलेक्ट किया गया था। और जून 2023 में स्टफ मैगजीन के फ्रंट पेज पर इंडस को फीचर किया गया था। और उसके बाद 17 जून 2023 को हुआ था कम्युनिटी प्लेटेस्ट 4, जिसमें मैं भी गया था और मैं पहली बार इंडस के ऑफिस में जाकर इंडस गेम को खेला। और गाइस अगस्त 2023 में इंडस क्लोज बीटा का ट्रेलर आया था, वो भी पीवीआर में। उस पीवीआर के अंदर पूरा इंडिया था, यानी कि इस वाले पीवीआर के अंदर हर एक स्टेट से एक एक क्रिएटर गए थे। और वहां पे हम लोगों ने सौरभ जोशी टेक्नो गेमर से मिला, खूब सारे बातें किया, ब्लॉग बनाया, तो आप लोगों ने मेरा ब्लॉग तो देखा ही होगा। और गाइस इंडस के 8 मिलियन से भी ज्यादा प्री रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं गूगल प्ले स्टोर पर। अगर अभी तक आप लोगों ने इंडस गेम को प्री रजिस्टर नहीं किया तो जाके प्री रजिस्टर कर लो, क्योंकि हम लोग को 10 मिलियन तक लेके जाना है। और गाइस अक्टूबर 2023 में इंडस का कम्युनिटी प्लेटेस्ट 5 हुआ, जहां पर ई स्पोर्ट इन्विटेशनल थे, यानी कि गेम आने से पहले इंडस ने अपना पहला ई स्पोर्ट्स करवाया, वो भी 10 लाख के प्राइस पूल का, जिसमें विनर बने थे रिकॉर्डिंग ई स्पोर्ट्स। और उसके बाद इंडस ने अपना न्यू कैरेक्टर लॉन्च किया पोखरान, जो कि होमी जी भाभा को ट्रिब्यूट करता है। और गाइस नवंबर मंथ इंडस के लिए सबसे बड़ा मंथ था। इंडस का कम्युनिटी प्लेटेस्ट 6 हुआ था हैदराबाद में IGDC में, और वहां पे इंडस को पीपल चॉइस अपकमिंग गेम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। और थैंक यू सब लोगों को कि आप लोगों ने इंडस गेम को वोट किया था। और दिसंबर मंथ में इंडस ने अपना न्यू कैरेक्टर लॉन्च किया था, जिसका नाम था मैक बालिका, जो इंडियन गर्ल चाइल्ड को ट्रिब्यूट करता है। और गाइस 19 दिसंबर को इंडस ने फर्स्ट टाइम ऐसा प्लेटेस्ट करवाया जो कि पिलियर्स के डिवाइस पर इंडस गेम का एक्सेस दिया, वो भी इंडस स्टूडियो के बाहर, और वो लोग अपने घर बैठे इंडस गेम को खेल रहे हैं। और गाइस अगर आप लोग भी चाहते हो इंडस गेम को घर बैठे खेलना तो इस वाले गूगल फॉर्म को फिल कर लो। इस वाले गूगल फॉर्म का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और इस वाले गूगल फॉर्म को फिल करने के बाद आप में से कुछ कुछ बंदों के डिवाइस पर इंडस का क्लोज बीटा का एक्सेस दिया जाएगा। और हाँ, अभी के टाइम पे जो क्लोज बीटा है वो iOS के अंदर चल रहा है, बहुत जल्द एंड्रॉइड के लिए भी रोल आउट कर दिया जाएगा, और आप लोग भी इंडस गेम को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके खेल सकते हो। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए आप लोग इंडस के ऑफिशियल डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत सारे गिवअवे होते रहते हैं, आप लोग इंडस के ऑफिशियल मर्चेंडाइज को जीत सकते हो। और गाइस एक और चीज मैंने आप लोग को बताना भूल गया, इंडस ने लंदन के बड़े बड़े शहरों पे हुडिंग लगवाए थे। वैसे इंडस का 2023 तो काफी ज्यादा अच्छा रहा, उम्मीद करते हैं कि 2024 भी इससे ज्यादा अच्छा हो। तो बस आप लोग ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।